आज मैं जा रहा हूँ शादी में, मम्मी ने बोला मुझे सुबह आना, मैं सुबह आऊंगा ड्यूटी करने के बाद, 11 बजे आऊंगा मैं सीधा, ठीक है मम्मी? तुझे मन मार गया था नहीं? बाइक वाले के साथ रेस लगी थी, इस कमीने ने मुझे लगानी नहीं थी उसके साथ रेस। डर गया था ना भाई तू? ड्राइवर कैसी हमारी फिर बोल उड़ा। मैं डरने वाला हूँ ये बता दे। नहीं तो तुमने रोक क्या कहा था? मैं बाइक चलाता हूँ तो आगे यार तक कभी हुआ नहीं कोई भी, और मैं डरूंगा। हाँ जी, तो भाई राम राम सभी को, कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रवि एक्शन व्लॉग्स। तो भाई आज का व्लॉग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं घर से, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ज्यादा जो व्लॉग है वो घर से स्टार्ट होंगे, तो वैसे ये व्लॉग भी घर से स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल बताओ आप सब ठीक हो और कमेंट करते हो, आप वीडियोस को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे 500 सब्सक्राइबर हमने किए हैं, ऐसे 1000 भी कर लेंगे जल्दी, और 4000 घंटे जो है वो टाइम जो है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसे अपना प्यार बनाए रखना से, और चलते हैं जरा मार्केट में, आपको पता ही है घर का थोड़ा बहुत काम होता है वो करना होता है, तो चलते हैं फिर रेडी हो जाते हैं पहले जल्दी जल्दी। तो भाई पिछले 5-6 दिनों से लगातार जो है शादियों में जाना आना हो रहा है, 3-4 शादियां अटेंड कर ली, एक और अपने बहन की शादी है, हमारा दोस्त है उसकी बहन की शादी है, तो उधर भी चलेंगे और जो कुछ भी होगा ब्लॉग में उधर बताएंगे आपको। वैसे मैं ब्लॉग छोड़ देता हूँ, वो जो शादियों के होते हैं आजकल मैं बनाना छोड़ देता हूँ, क्योंकि क्या वो चीज़ें बताते रहनी आपको। तो फिलहाल आज चलेंगे शादी में एक और, वैसे तो कल उसने मुझे बुलाया था, फंक्शन था उसके घर कल भी, कल मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं कहीं और गया था शादी में, तो फिर आके भाई थक गया था पूरा दिन सोया रहा। तो फिलहाल आज जाएंगे शादी में उसके, रात को चलते हैं मिलाते हैं वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आपको। तो भाई जैसे कि आपको पता है हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो बिल्कुल रो होते हैं, जो हम करते हैं पूरा दिन में वो आपको बताते हैं, ऐसा कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता कि हाँ मैंने सोचा हुआ ये करूँगा या वो करूँगा, जो दिल में आ गया जो मैं बना रहा हूँ वो बन रहा है। तो ऐसे ब्लॉग्स को आप यहाँ पर प्यार दे रहे हो, ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस यही बोलूँगा फिलहाल। तो देर चलिए, चलो तो भाई शूज डाल लेते हैं, चलते हैं फिर दौलतपुर अपनी बाइक पर। तेरी पेंट खराब, इसके गंदे कम क्या कर दिया यार तूने, फिसकी फिसकी फिसकी। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा ऊपर चढ़ जा ऊपर चढ़ जा, चलो 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 अंदर चलो। तो भाई बड़े दिनों से फिसकी के कान में दर्द हो रही है, देखो इसके कान को जैसे दबाओ डरने लग पड़ता है हमें। अब फ्लैश लाइट तो नहीं देखते क्या इसके कान में? डॉक्टर को भी एक बार लेके गए थे बट उसने कुछ बताया नहीं, अब दूसरे डॉक्टर को बुलाएंगे। और इधर गालियाँ पड़ रही मुझे दीदी से, ये तो पड़ती रहती हैं, थोड़ी बहुत गालियों का मुझे मेरे ऊपर असर नहीं होता दीदी, थोड़ी बहुत गालियों का मेरे ऊपर असर नहीं होता यार, ऐसे निकालो मुझे गालियों में से, चाहते मुझे गालियाँ निकालो आप, थोड़ी बहुत गालियों का मेरे ऊपर असर नहीं होता। तो फिर दीदी ने बोला खाने पीने के लिए चलते, कुछ चलेंगे खाने पीने के लिए, चलो तो चलते हैं। चलो ठीक है विस्की जी, ओके चलो। तो भाई आपको जरा बुलेट की आवाज सुनाते हैं, गियर में जो ज्यादा वो डूडू वाली आवाज होती है मुझे अच्छी नहीं लगती वो ज्यादा, और ना इसके ऊपर जचती है क्लासिक के ऊपर, ये आवाज अच्छी लगती है किसी के कान में लगती है ये आवाज ना कुछ। तो आज चलते हैं यहाँ से मार्केट में जाके आते हैं, कहाँ भी जाते हैं कुछ चल के। लो तो भाई मोमोज और स्प्रिंग रोल आ गए, मोमोज ही बढ़िया ज्यादा इवन देख दे ऊपर पैन होगी इंडिया से छापे पैन है जिससे भी ये मिलना नहीं शरश है मेयोनीज नु पैन है इंडिया से तो इसके तपड़े आ वो भी बढ़ना जैसा मैं बड़े मंदा ना कभी नहीं हो सकता यार मेयोनीज का पैन कर सकते कोई जो यार भाई मेयोनीज पैन होगी मुझे नहीं पता इस बारे में चपेड़ा देख शर्ट तेरे नाल चपेड़ा नहीं ना 10 तेरे मुंह से ना। मम्मी यार दसो रहने दे क्यों रहने दे लेना इस व्लॉग च ना ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੇਰਨ ਵਾਈ YouTube ਤੇ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜੇ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਜ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਆਣਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਆਉਂਗਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਕੇ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾ ਮਨ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਆਜੂਗੇ 11 ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਵਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋ ਇੱਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਮੱਜ ਜਾ जाना था ना जाना था ना मम्मी मजाक करते हैं मेरे बड़ी ज्यादा। ओ मेरे विस्की आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। अम्मी देखो
ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਏ ਅੰਮੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲਾਏ 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 ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਲੋ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਿੰਨੂ ਕੋ ਮੈਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗਾੜੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲੈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਗਾੜੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਖੜਾ ਇਧਰ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਂ ਅਬ ਵਹਾਂ ਪੇ ਸ਼ਗਨ ਸ਼ਗਨ ਸ਼ਗੁਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲੇਂਗੇ ਕਹੀਂ ਔਰ ਦੋਸਤ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਕੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਚਲੋ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਕਲਤੇ ਅਭੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਤਾ ਤੋ ਨਿਕਲਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਰਨ ਕੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕੇ ਪਾਸ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਾਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਰਾ ਮੰਦਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਬੁਲਟ ਪਰ ਘੁੰਮਾਇਆ ਗਾੜੀ ਆ ਰਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮਾਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਕਦੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਲੋਗ 'ਚ ਦਿੱਖੀ ਨਾ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਲੋ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਹਮਾਰਾ ਗਾੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਬਿਠਾਏਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਹੋਰ ਰਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਤੂੰ ਭਾਈ ਚਲਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆ ਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈ ਆਪਕੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਰਿਸਕ ਲੇਤੇ ਹਮ ਰਾਤ ਕੋ ਵੀ ਆਪ ਵਲੌਗ ਬਣਾਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਤੇ ਵਕਤ ਵੀ ਔਰ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਜਰਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੇਤੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਕੰਨੂ ਆਪ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹਮਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਲੜਕੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਯਾਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਓ ਨਾ ਲੜਕਿਓ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜੀ ਮਾਰੇ ਸਭ ਕੋ ਫੁਰਸਤ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੀ ਜਹਾਂ ਪੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕੀ ਬਹਿਨ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਮ ਆਪ ਭਾਈ ਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਕਲੇਂਗੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਔਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸੇ ਪੁੱਛੇਂਗੇ ਆਪ ਕਿਸ ਕੋ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਨੀਲੂ ਵੀਰਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਨੀਲੂ ਭਾਈ ਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਵੋ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖੋ ਯੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੋ ਕਿਆ ਖਾ ਕੇ ਆਈਏ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਗੈਸ ਆਇਆ ਥੋੜੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸ ਹੋਈ भाई हम गाड़ी इधर अंदर गए या बाहर छोड़ दो गाड़ी छोड़ दो गाड़ी छोड़ सकते हैं हम ना आपके पास आपके वाले और ये देखिए यहां पे शादी हम गाड़ी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इधर गाड़ी आ भाई छोड़ दो हम आ रही है अभी और क्या तू किसे जाना गेड़ी मान मैं आगे गड्डी मोड़ी के आया ये शादी इधर और हम चलेंगे कन्नू गाड़ी चला अभी लिख देना क्या होया अभी लिखना नहीं आ रहा तन्नो अभी लिख देना फिर अभी लिख दे थोड़ी दे तू लिखा पे यार मैं लिखा दे फिर मैं लिख दे नहीं फिर रेडी थोड़ी दे ले तू व्लॉग छोटे अक्षरों से लिखदा मैं थोड़ा हाँ जी तो भाई हम आपको बताया था कि लाला जी के पास गए थे लाला जी के पास जाके आया लाला जी हमें मिले नहीं क्योंकि लाला जी नीलू भाई को मिलने में बहुत व्यस्त है और अब अपने बंदे पीछे बैठे हुए हैं अब हम जा रहे हैं दूसरी शादी में जहाँ पे पहले गए थे वहाँ पे खाना खुना खाएंगे नहीं भाई मैं पहली है पहली शादी में जाएंगे वहाँ पे खाना खा के आएंगे हमारे गुरु भाई का फोन आ रहा बार बार हमें कि भाई किधर चले गए आप टाइम अब 11:12 हो गए हैं वो तो ज्यादा गया पर हम गलत बता रहे हैं आपको टाइम क्योंकि अपनी फैमिली में कई बार ब्लॉग देख लेती है वो आप गाना सुन रहे हो सिद्धू मूसे वाला रियलिटी तो है भाई आप बाकी चले फिर अपने पहुंच गया वहाँ पे जहाँ पे होटल है कैसी लग रही है आपको गाड़ी चला के अच्छा लग रहा दिल गार्डन गार्डन हो गया क्रेटो चला के मजा आ रहा आपको यार पहली बार हुर्रे चलाने लगे कैसे लग रहा है अच्छा अच्छा जब आप सीखते थे ना तब मैं चलाता था ये ओके आप मुझसे बड़े हो ना ओके गुड 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 आंसर ये तो गुड क्वेश्चन है गुड आंसर है ये जब आप सीख रहे थे ना तब हम ये गाड़ी पता नहीं कहाँ कहाँ पे लेके चले आप दिल्ली लेके चले गए थे उस टाइम पे ना वो लक्कू चाचा जी क्या ऑटो क्या कर रहे हैं यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे मोड़ के लगा देंगे हम तू मोड़ सही इनको कटे तू काटे गाड़ी अंदर चलो तो बस ठंड भी है वैसे हमारे करण के चाचा जी का यहाँ पे होटल भी खड़ा हुआ है पता नहीं किसको लेने आया ये सुबह अगले दिन व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ
कल तो शादी में चला गया, अब स्टार्ट कर रहा हूँ। अगले दिन में सीधा आ गया मैं उन्ना में। उन्ना में मुझे थोड़ा सा काम था, वो काम हो गया। अब रिंकू भाई को कॉल किया, वो आ रहा होगा। एक्चुअली वो उसको मैंने बोला था पार्किंग में बाइक लगा दे और मेरे साथ चल पड़। तो उसने पता नहीं बाइक किधर लगा दी और मैं इधर खड़ा हूँ अब। ये देखो भाई टाइम हो गया 2:45। कल रात को व्लॉग बनाया था मैंने शादी का, थोड़ा सा आपने देखा होगा। उसके बाद बिजी हो गया शादी में भी। सुबह अगले दिन का व्लॉग बन रहा है ये। 7 तारीख है भाई, आज रिंकू भाई के पास मैं उन्ना में आया था। जरा थोड़ा सा काम था, मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट किया जाए और आपको रिंकू भाई से मिलाया जाए। हमारे रिंकू भाई आ रहे हैं, वो देखो आप पैदल चल रहा है पीछे, वो देखो वो ब्लैक जैकेट वाला। अब आ रहा है ये पीछे से, इसको बिठाते हैं और चलते हैं इसके खेतों वाली साइड। यहाँ पर रश बहुत है, बातें करते हैं चल के थोड़ी देर, फिर निकलूंगा मैं घर को। ये भाई इसकी और एंगेजमेंट भी होगी, एंगेजमेंट इसका रोका हो गया, एंगेजमेंट होने वाली है भाई की। मारे तेन नहीं बढ़ाना, चल बाहर पे चल। मैं यार मुबारक रोका हुई है, चलो भाई सब बात करेंगे। पहले चल पड़ते हैं खेतों वाले साइड, चलते हैं पहले वहां से करेंगे बात भाई। खुश करना है ब्याह तेरा नेड़ा ना। Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. तो भाई हम रिंकू की जो होने वाली वाइफ है उससे मिला है, बहुत अच्छी आदत लगी है उनकी। आप ये व्लॉग उनको बता देना ना, मैं उनकी तारीफ कर रहा था। और एक बाइक वाले के साथ रेस लगी थी, इस कम्यूनिटी ने मुझे लगाने नहीं दी उसके साथ रेस। उसको रोक के पूछना था भाई तेरे चैनल का नाम क्या, वो बंदा ऐसे भागा जैसे पानी बहन चो क्या लगा दिया उसके पीछे। इसने मुझे बोला बार बार रुक जा रुक जा, डर गया था ना भाई तू। ड्राइवर कैसी हमारी फिर बोल ना। मैं डरने वाला हूँ ये बता दे। नहीं तो तुमने रोका क्या थे? आपको पता ना तू रोका क्या बनो? आपको पता ना ये बात कि मैं जब बाइक चलाता हूँ एक बार क्या तुमने रोका क्या था? आपको पता ना जब मैं बाइक, हाँ बाइक का तो ड्राइवर पूरा पूरा मुझे पता है। जब मैं बाइक चलाता हूँ आगे आज तक कभी हुआ नहीं कोई भी, और मैं डरूंगा? नहीं वो गाड़ी का हिसाब अलग होता है भाई, गाड़ी में बता तू नंबर। मुझे रोका क्यों? मैंने उसको पकड़ के पूछना था भाई बंदा क्या है, मारू क्या नंबर था। और उसने आके गोप्रो लगाया था, उसके पास ड्यूक थी भाई। अगर मेरी वीडियो को देख रहा होगा तो भाई मैसेज करना, मैंने तो आपको रोकने के लिए भाई गाड़ी दुड़ाई थी ना कि तरह से रेस करने के लिए भाई। पता डर गया उसने, देखे कि ये गाड़ी लेके बहुत तेज आ रहा और उसने और बाकी भगाई। फिर आके बस आ गई, बस ना आती तो मैंने गाड़ी उसके आगे खड़ी करनी थी और उसका चैनल का नाम पूछना था और व्लॉग बनाना था, और इस बंदे ने मुझे बनाने नहीं दिए। आपने तो दुनिया देख ली है, हमने भी देखनी है भाई। जिन्ना जिन्हें देखो दुनिया देखी होनी ऐसी दिखी नहीं। और उसने मुझे 550 रुपए शगन डाल दिया है। चलते हैं तेल डलवाते हैं, तेल के डंडा देखो भाई तेल खत्म हो गया गाड़ी में। चले अब तेल डलवा के निकलते हैं, इसको छोड़ के इसके बाइक के पास छोड़ के निकलेंगे घर को। ठीक है भाई फोन तेन मिलना ते एंगेजमेंट पर अगले महीने अगर हुई तो। अंदर हो ही गया ना, ठीक है ओके ओके भाई। कुछ रहता नहीं मेरे को तेरा, कुछ आता नहीं तेरे को मेरा, चाहे नहीं ना कुछ। ओके भाई ओके, चलो तो भाई निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं घर को। तो भाई अब मैं घर पे पहुंच गया, मम्मी के पास चलते हैं और देखने डांट कैसे पड़ेगी मम्मी से। चलो तो भाई चलते हैं। तो भाई अभी अभी मैं घर पहुंचा और पता चला कि दीदी ने एक और नया मेंबर रख लिया घर पे। एक का नाम रियो, दूसरे का विस्की और तीसरे का पता नहीं क्या नाम है, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आई दीदी इसको भी। बोल रहे कि पीछे पीछे है पीछे, तो देखते हैं किधर बैठा हुआ है। ओए ओ इधर लाइट नहीं है ना। ये देखो एक और मेंबर आ गया घर पे, दीदी इसको भी उठा के ले आई। पूरे उठ जा सोडा रियो सोडा तीन कुत्ते हो गए हमारे पास अब। और मैं इधर नया घर देखने आ गया था जरा,
तो आपको तो मैंने बताया है पहले, पर आप एक बार फिर से देख लो, ये ड्राइंग रूम है, एक इधर रूम है और एक इधर रूम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, शेयर करा करो वीडियो को, ताकि हम और वीडियोज आपके साथ लेके आपके सामने लेके आ पाए। तो मिलते हैं आपको इसे अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।